अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्राम कुर्मी गुंडरा में सैनिकों की याद में बनाए जा रहे तालाब, वहीं उनके परिजनों का किया गया सम्मान। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्राम कुर्मी गुंडरा पंचायत में मजदूरों ने कार्यस्थल पर सेनानी की याद में पौधारोपण कर अमृत सरोवर तालाब निर्माण कार्य का प्रारंभ किया। इस अवसर पर जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्वनी देवांगन, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीष साहू, डिप्टी कलेक्टर मुकेश कोठारी, जनपद सदस्य वंदना वर्मा, सरपंच पार्वती आडिल, SDO गौर ने सेना में सेवा देते हुए शहीद हुए सैनिकों के परिजन लतखोर रजक, कांति रजक का शॉल श्रीफल भेंटकर सम्मान किया। साथ ही देश सेवा में युवा के माता अगस्या ढीमर व सुरेश पटेल की धर्मपत्नी दामिनी पटेल का शॉल व श्रीफल भेंटकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा पर युवल किशोर आडिल ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से युवा देश सेवा कर हमारे गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं। धन्य है वह माँ बाप जिसने वीर सपूतों को जन्म दिया। हम सभी ग्रामीण जनों को इस अविस्मरणीय पल को याद रखें, जो पेड़ लगा रहे हैं उसकी देखभाल करें, उन शहीदों की याद में बन रहे तालाब की सुंदरता को बनाए रखें। गौरतलब है कि युगल किशोर आडिल ने अधिकारियों को बताया कि हमारे गांव में मनरेगा के तहत कार्य कर रहे मजदूर अपनी एक दिन की कमाई 200 रुपये पौधों लगाने में खर्च कर रहे हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्वनी देवांगन ने इस अवसर पर कहा कि हमें आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो गए हैं, उस पल को स्वर्णिम बनाने अमृत सरोवर तालाब का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 12 महीने लगातार लोगों को रोजगार मिल सके और यहीं से अन्य गांव में पौधे दूसरे गांव को उपलब्ध हो सके। ग्रामीण जनों ने CEO के इस योजना पर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर पंचगण सहित सैकड़ों ग्रामीण जन उपस्थित थे। मुर छत्तीसगढ़ के माटी ते भारत माँ के साटी, मैं तोला नवा वो माथा महतारी आती जाती। आजादी के 75वां वर्षगांठ के महोत्सव में एक नया योजना साथे साथ हमारे बीच में नरेगा में काम करते आदरणीय अगस्या ढीमर जी, हमारे बीच नरेगा में काम करते आदरणीय कामनी पटेल, पति फौज मिली से अचानक वो स्वास्थ्य के कारण से वापस आ गए। ज्योति ले ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।